बनना बेहद ही सौभाग्यशाली माना जाता है। वहीं जब एक औरत माँ बनती है तो उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और बिना किसी शिकायत के उन सारी तकलीफों को सहती भी है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। वहीं गर्भवती महिला को इस दौरान सांस लेने में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, साथ ही ब्लडिंग भी होती है। लेकिन जब माँ बनने के बाद अपने बच्चे को हाथ में लेती हैं तो ऐसा लगता है उन्हें जैसे सारी दुनिया की खुशी उनकी झोली में आ गई है और अपने सारी तकलीफों को भूल जाती हैं और अपने बच्चे के लिए दुआएं मांगती हैं। वहीं अगर किसी महिला का बच्चा अस्वस्थ यानी किन्नर जन्म लेता है तो हमारा समाज उसे स्वीकार करने से मना कर देता है, साथ ही माँ बाप भी उसे कुछ दिनों बाद खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन किसी गर्भवती महिला को किन्नर बच्चा क्यों पैदा होता है, आज आपको इसी बात से रूबरू करवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किन्नरों को समाज में कई नामों से बुलाया जाता है और उन्हें समाज में सम्मान भी नहीं दिया जाता। वहीं अगर वैज्ञानिकों की माने तो इसके अनुसार जब महिला के प्रेग्नेंट हुए 3 महीने होते हैं और तब उस महिला को अचानक कोई बीमारी हो जाए तब महिला के पेट में पल रहे बच्चे में 2 तरह के गुण पनपने लगते हैं। आपको बता दें कि इनमें से कुछ गुण महिलाओं में पाए जाते हैं तो वहीं कुछ गुण पुरुषों में पाए जाते हैं। हालांकि जब ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के इन गुणों का मिश्रण होता है और वह बच्चा जन्म लेने के बाद किन्नर कहलाता है। जबकि किन्नर होना कोई पाप नहीं होता, लेकिन हमारा समाज किन्नरों को गलत निगाह से देखता है और उनको सम्मान भी नहीं देता। बेहतर होगा गर्भवती महिलाएं 3 महीने तक जितनी हो सके सावधानी बरतें ताकि उनका बच्चा स्वस्थ रहे। नेक्स्ट 9 करण हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।